गुड इवनिंग, मैं सुमैया सरफराज, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी ट्यूशन कोर्स इंस्टाग्राम पे दिखा। मैंने वहाँ मैम से इंस्टाग्राम पे चैट में बात की, फिर उसके बाद मुझे कांटेक्ट हुआ, फिर मुझे कॉल आई। मैंने इंस्टाग्राम कमेंट में पढ़ा था ये फेक है, ऐसा है वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे रजनी मैम के मीटिंग के बाद मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी ब्यूटिशियन कोर्स करने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ ये ब्यूटिशियन कोर्स करके। अल्लाह पाक मैम आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी दे और आपको हमेशा खुश, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें। नेहा मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं सबको, एक एक चीज़ कई कई बार रिपीट करती हैं। कई लोग कमेंट में कहते हैं मैम ऐसा बताइए वैसा बताइए, बट मैम इरिटेट नहीं होती बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताती हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे यहाँ परमिशन नहीं थी कि मैं बाहर जाके ये कोर्स ज्वाइन करूँ। ये क्या कोई भी कोर्स मैं बाहर जाके करूँ, बट मेरे लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने ऑनलाइन चूज़ किया और मैं ये ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे मैम, आज मेरा भी बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। कल आपका बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आपके लिए कुछ शेयर कहना चाहती हूँ। अच्छे बुरे के तुमको खबर दे के जाएंगी, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र दे के जाएंगी। यारो ये इस ज़माने की वो तंग तराश हैं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाएंगी। वाकई मैम आप पत्थर से बोलने का हुनर वाकई दे के जाएंगी हम। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आपके लिए चार लाइन कुछ और कहना चाहती हूँ। रास्ते और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र और भी दराज करे। हसीन चेहरों को ताबंदगी मुबारक हो, तुझको ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मैम। मैम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मैम।